केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। नौशहरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करें। आतंकवाद खत्म होने तक हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि फारूक साहब, अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। अब बंकरों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वहीं शाह के हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है जिन्होंने हमारी 2000 किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा किया। पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकती बात? आतंकवाद का हल निकालना होगा। कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? नेशनल हाईवे 144 ए बनाया, लंबेरी में मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया, नौशेरा मंडल अस्पताल में 100 अधिक बिस्तर लगाए, सरकारी डिग्री कॉलेज हमारे रैना ने बनाया, खेल स्टेडियम युवाओं के लिए रैना ने बनाया, बंकर बनाए, लंबेरी में कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया, पहाड़ी समाज को स्टेटस दिया, ये हमारे जाट भाइयों को संदेश दिया और 40,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने